रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सैमीज किचन। आज मैं आपके साथ पोटैटो पिन व्हील्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी से और आसानी से बन जाते हैं। पोटैटो पिन व्हील्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हम इसकी डो प्रिपेयर करेंगे और उसके लिए लिया है मैंने 1.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून सूजी, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट यूज़ किया है। आप जितना चाहें इसमें सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, जितना आप सॉल्ट पसंद करते हैं, और नीम गर्म पानी। इसकी फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक आलू ले लिया है, बड़े साइज़ का आलू था ये, इसको मैंने बॉयल करके ग्रेट कर लिया है। 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 ग्रीन मिर्च उसको बारीक चॉप कर लिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी इसमें अजवाइन यूज़ करूँगी मैं, और थोड़ा सा 3 to 4 टेबलस्पून इसमें मैदा दोबारा से यूज़ करेंगे। इसका पेस्ट बना के हमने इसमें फ्राई करने हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसकी डो प्रिपेयर कर लेते हैं। 1.5 कप मैदा लिया है मैंने, 2 टेबलस्पून इसमें मैं सूजी ऐड कर दूँगी, 1/2 टीस्पून नमक, ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ऑयल, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसकी डो तैयार करेंगे। ये देखिए डो हमारी रेडी हो गई है और ग्लव्स पहन के मैंने डो बनाई है और इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकी डो। ग्लव्स पहनने का एक ये फ़ायदा है। और इस डो को हमने ज़्यादा ढीला नहीं करना, थोड़ा सा इसको हमने सख्त रखना है। डो रेडी हो गई है, इसको हम ऑयल लगा के 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तब तक हम आलू का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम पिन व्हील की फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। एक बोल में मैंने ग्रेटेड पोटैटो डाल दिए हैं, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अजवाइन, हरी मिर्च, और धनिया, इनको हम मिक्स कर लेते हैं। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसकी फ्राइंग के लिए पेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें हम पानी डालेंगे, ये हमने बिल्कुल पतला सा पेस्ट प्रिपेयर करना है। पिन व्हील को फ्राई करने के लिए हमने ये पेस्ट प्रिपेयर कर लिया, इसमें डिप करके हम उनको फ्राई करेंगे। और ये इतना थिन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। तो चलिए अब हम इसकी रोटी प्रिपेयर कर लेते हैं। आटा जो है आपका सही सख्त होना चाहिए। ये देखें, जैसे ये आटा सख्त है ना, इसी तरह आपकी ये डो जो है सख्त होनी चाहिए। जितने सख्त होगी उतने आपके व्हील्स अच्छे बनेंगे और आपको आटा डस्ट करना नहीं पड़ेगा, सूखा आटा। तो अब हम इसकी बड़ी सी एक मोटी सी रोटी प्रिपेयर करनी है, बहुत पतला भी इसको नहीं करना वरना आपके व्हील्स विजिबल ही नहीं होंगे। तो इसको हम मोटा सा बनाएंगे। रोटी मैंने बेल ली है, ये देखिए इतनी बड़ी बेली है और इसकी मोटाई इतनी होनी चाहिए, बहुत पतली भी रोटी नहीं होनी चाहिए। और ये पेस्ट मैंने प्रिपेयर कर लिया है, इसकी भी थिकनेस आप देख लें, ये इतना थिक है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। और ये मैंने फिलिंग भी रेडी कर ली है। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू को हम पहले इसमें स्प्रेड कर लेंगे रोटी पे। Thank you.
फिलिंग मैंने इस पे अच्छे से सेट कर ली है। अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ से हम इसको उठाएंगे और बिल्कुल इसके छोटे छोटे रोल बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले ये एंड पे हम इस पेस्ट को लगा के चिपका लेते हैं। मैंने इसका किनारा काट लिया है। अब मैं इसके पिन व्हील काट लेती हूँ। बहुत मोटे नहीं काटना है इनको, बिल्कुल पतला पतला काटना है और छुरी तेज़ होनी चाहिए। और छुरी को एक ही दफ़ा आपने नहीं चलाना, यूँ आहिस्ता आहिस्ता करके आपने चलाना है ताकि ये अच्छे से कट जाए। ये देखिए एक व्हील हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हम बाकी के भी काट लेते हैं। हमारे क्रिस्पी मज़ेदार पिन व्हील रेडी हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।